नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना बैरागढ़ में दिनांक 15 अक्टूबर को सायं लगभग 5:30 बजे एक बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 604/21 धारा 363 भादरी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना बैरागढ़ पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार पुलिस की पृथक टीम गठित कर अपहर्ता 5 वर्षीय बच्चे की मां को साथ लेकर अपहर्ता बच्चे और अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए शहर के संभावित स्थानों पर तलाश की। इस दौरान अपहर्ता की मां के मोबाइल पर लगातार अपहरणकर्ता आरोपी द्वारा 50,000 की फिरौती की मांग की जा रही थी। अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए शहर के बाहर जाने वाले थानों में घेराबंदी और नाकाबंदी की गई। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खुफिया तंत्र लगाया गया और सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध कार निषादपुरा भानपुरा क्षेत्र में देखी गई है, जिससे क्षेत्र में थाना प्रभारी निषादपुरा थाना प्रभारी छोला मंदिर की टीम को घेराबंदी के लिए लगाया गया। पुलिस की सक्रियता और दबाव से घबराकर आरोपी बच्चे को लेकर शहर के अंदर वापस आ गया और रेलवे स्टेशन भोपाल के पास बच्चे को इंदौर ले जाने के लिए टैक्सी बुक कर दी थी। इस बीच तलाश में जुटी पुलिस टीम को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अल्पना तिराहे के पास एक संदिग्ध कार में छोटी बच्ची बैठी है। सूचना पर थाना प्रभारी हनुमानगंज को सूचना से अवगत कराकर टीम तत्काल उक्त स्थान पर भेजने के लिए बताया गया। सर्चिंग मिला की टीम को अल्पना तिराहा पहुंचने के लिए बताया गया। होटल जमजम के पास कार क्रमांक MP09WB9248 में पुलिस टीम को अकेली बच्ची मिली। पुलिस टीम द्वारा वहां बच्ची को सकुशल दस्तयाब किया गया। आरोपी पास में खड़ा था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले वहां से हटकर भाग खड़ा हुआ। अपहर्ता बच्ची को पुलिस टीम द्वारा अपनी सूझबूझ से समय रहते दस्तयाब किया गया। आरोपी की तलाश मुखबिर सूचना पर लगातार पुलिस द्वारा सक्रियता बनाई रखी और सूचना पर हलालपुरा बस स्टैंड पर आरोपी राहुल मेहरा और पिता रूप सिंह मेहरा उम्र 25 साल निवासी संजय नगर कॉलोनी बैरागढ़ को पकड़ा गया, जिससे बच्ची के अपहरण और फिरौती के बारे में पूछताछ की गई। उसने बच्ची के अपहरण करने और फिरौती की रकम मांगना स्वीकार किया और अपहरण का उद्देश्य कर्ज से परेशान आर्थिक परेशान होना बताया। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 5:30 बजे थाना बैरागढ़ में एक छोटी मासूम बच्ची जिसकी उम्र करीब 5-5.5 साल थी के अपहरण की सनसनीखेज सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना बैरागढ़ पुलिस द्वारा तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। उस समय चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी वहाँ व्यस्त होने की वजह से थाना बैरागढ़ द्वारा स्वयं ही सूझबूझ से काम करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर और तलाश शुरू की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्थान के उपरांत DIG पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री इरशाद वली द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में मेरे द्वारा एडिशनल SP दिनेश कौशल, एडिशनल SP अंकित जायसवाल, SDOP बैरागढ़ अंतिमा समाधिया, DSP अपराध अजाक श्री अक्षय चौधरी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। इनकी सहायता थाना प्रभारी बैरागढ़, निषादपुरा, छोला मंदिर एवं परवलिया सड़क को लगाया गया। साथ ही अपराध शाखा और साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया। कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निषादपुरा क्षेत्र में भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। तत्काल ही सभी टीमों ने वहां जाके घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता बच्ची के साथ DIG बंगले की तरफ आ गए और DIG बंगले पर उस कार को छोड़कर पैदल पैदल उसे लेकर अल्पना तिराहे तक आए। अल्पना तिराहे पर आकर के उन्होंने साईं कृपा ट्रेवलर्स से इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक की। ट्रेवलर्स द्वारा अधिक पैसा मांगा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे यह कहा कि हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो और सवारियां भी ले सकते हैं। इस बीच पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो गई कि होटल जमजम के पास एक संदिग्ध कार है और उसमें एक बच्ची बैठी हुई है। तुरंत ही थाना प्रभारी हनुमानगंज को बताया गया और उन्होंने अपनी टीम को होटल जमजम भेजा। इस बीच हमारी बाकी टीमें वहाँ पहुँच गई। वहाँ एक कार सफ़ेद रंग की हुंडई एक्सेंट में बच्ची अकेली बैठी हुई थी। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँची, आरोपी वहीं पास में ही खड़ा था। उसने पुलिस की सक्रियता देख करके। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।